हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम जा रहे हैं अपने गांव, और हम लोग रहते हैं दिल्ली में। सो हम लोग आए थे उत्तराखंड, तो हम लोग जा रहे हैं अपने गांव घूमने के लिए। और कुछ हमें काम था हमें पूजा करवानी है कोई, तो हम उसी सिलसिले में हम अपने गांव जा रहे हैं। और मैं जा रही हूँ अपने मायके, तो मेरे जो हस्बैंड है अपने जा रहे हैं ससुराल। सो वो सेकेंड या थर्ड टाइम अपने ससुराल जा रहे हैं, और हम लोग निकल चुके हैं अपने होम टाउन से अपने गांव की तरफ। और हम लोग जा रहे हैं अपनी एक प्राइवेट, हमारी जो ब्लोरो है उसमें हम जा रहे हैं, और साथ में मेरे मम्मी पापा और मेरा भाई और मैं, मेरे हस्बैंड जा रहे हैं। सो आप देख सकते हैं जो रास्ते होते हैं पहाड़ों के, और यहाँ पे है मंदिर दुर्गा देवी। अगर आप लोग उत्तराखंड से हैं और आप लोगों को पता होगा, डुगड्डा में एक मंदिर पड़ती है जो है दुर्गा देवी। दुर्गा देवी का ये मंदिर है, और हम लोग निकल चुके हैं। और आप रास्ते देख सकते हैं, खूबसूरत नज़ारे पहाड़ों के। और जब भी हम लोग अपने होम टाउन आते हैं तो हम ज़रूर अपने गाँव विज़िट करते हैं। और सो गाइस, जैसे ही हम लोगों को टाइम मिलता है हम लोग अब ज़रूर अपने गांव आते हैं। और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा खूबसूरत जो नज़ारा है पहाड़ों का, और यही चीज़ है जो हमें खींच लेके आती है पहाड़ों की तरफ। और जो बिज़ी लाइफ है हमारी, बिज़ी लाइफ से टाइम निकाल के हम लोग अपने पहाड़ आते हैं, घूमते हैं और इन्जॉय करते हैं। सो गाइस, आज जो मौसम था काफ़ी अच्छा था, क्योंकि हम सुबह सुबह के टाइम पे निकले हैं, तो आप देख सकते हैं मौसम काफ़ी अच्छा, हल्का फुल्का जो आपको दिख रहा होगा धूप लगी है हल्की फुल्की। सो वो अभी सुबह का टाइम है, तो बाद में तक तो धूप काफ़ी हो जाती है, बट पहाड़ों में फिर भी थोड़ा इतना नहीं रहता है, थोड़ा मौसम अच्छा ही रहता है। सो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारे हैं, और जगह जगह आप देख सकते हैं टूरिस्ट प्लेसेस बनाए गए हैं, और अब लोग काफ़ी लोग यहाँ पे आते। सो गाइस, मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप ज़रूर यहाँ पे आइए, और आपको अगर रोड ट्रिप पसंद है तो आप ज़रूर रोड ट्रिप का आनंद लीजिए। और आपको यहाँ पे आने के लिए, अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो आप कोटद्वार आ सकते हैं। कोटद्वार में आप एक दिन स्टे कर सकते हैं होटल में, और उसके बाद आप आगे कोई भी प्राइवेट बोलेरो या आपकी कोई प्राइवेट कार है उसमें आप आगे घूमने जा सकते हैं। आगे आपको काफ़ी कुछ मिलेगा देखने को। अगर आप कोटद्वार में स्टे करते हैं, वहाँ पे एक सिद्धबली मंदिर है, जो प्रसिद्ध सिद्धबली मंदिर जो हनुमान जी का मंदिर है, आप वहाँ पे विज़िट करिए। और आगे आप जो है लैंसडाउन की तरफ जा सकते हैं, जो कि एक टूरिस्ट प्लेस है, काफ़ी अच्छा वहाँ पे आपको लगेगा। और अब तो जगह जगह में टूरिस्ट प्लेस बन गए हैं, अगर आप एक बार इधर की तरफ आएंगे तो आपको काफ़ी ऑप्शंस मिल जाते हैं घूमने के लिए और एक स्टे के लिए। सो आप देख सकते हैं नज़ारे। गांव पहुंच चुके हैं, और हम जा रहे हैं अपने गांव की तरफ। हमारा जो गांव है रोड से काफ़ी ऊपर है, मतलब पहले तो यहां पे रोड नहीं थी, बट अब रोड आ गई है, तो थोड़ा बहुत ही हमें वॉकिंग डिस्टेंस है, हमारा वॉकिंग डिस्टेंस में ही हमारा गांव है। सो मेन रोड से हम निकल चुके हैं ऊपर की तरफ, और आप देख सकते हैं नज़ारे, गाँव के नज़ारे और अपने पहाड़, अपना जो गाँव है। और आप देख सकते हैं ये है गाय की बाछी, जो गाय का जो बच्चा होता है उसको हम गाय की बाछी बोलते हैं, बछिया। और आप देख सकते हैं हम गांव की तरफ निकल चुके हैं, रास्ता लगे हुए हैं रास्ते में, और मेरे हस्बैंड हमारी वीडियोस वगैरह बना रहे थे।
गाइस गांव में मेरे दादा दादी रहते हैं और जो मेरी पूरी फैमिली है मायके की वो देहरादून में रहती हैं और हम लोग रहते हैं कोटद्वार में। सो आप देख सकते हैं हम लोग अपने घर पहुंच चुके हैं और यहाँ पे मेरी दादी हम लोगों के लिए खाना वगैरह बना रही थी और दादाजी मेरे बैठे हुए हैं। आप सो गाइस ये है मेरी दादा दादी का घर, आप देख सकते हैं। और ऊपर है दो कमरे, नीचे किचन। और गाइस गांव पहुंचते ही जो मेरे पापा और मेरे जो हस्बैंड है वो थोड़ा काम पे लग गए थे, जो हमें जिस सिलसिले में हम आए हैं पूजा के सिलसिले में, वो पूजा हमें करवानी है तो उसके लिए जो भी सामान वगैरह चाहिए वो हम पंडित को प्रोवाइड करा रहे थे। तो उसी सिलसिले में मेरे हस्बैंड और मेरे जो पापा हैं वो बिज़ी थे। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी मम्मी जो है दादी के साथ हेल्प कर रही है खाना वाना बनाने में। और यहाँ ऊपर है पंडित जी बैठे हुए और मैं सो गाइस मैं आपको लेके चलती हूँ ऊपर जो मेरी ताई जी और का घर है यहाँ पे। सो आप देख सकते हैं वो जो घर आपको दिख रहा है ऊपर वो है मेरी ताई जी और का घर। और आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और आप देख सकते हैं मैं थोड़ा पिक्चर्स वगैरह भी मैंने यहाँ पे क्लिक करी थी। और ये एक घर है जो कि प्लान मार्ग में है, यहाँ लोग छोड़ के जा चुके हैं और वजह आपको पता ही है क्योंकि फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं होती हैं गांव में, तो इस वजह से लोग बाहर जाते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो यस अगर ऐसा नहीं है हमारे गांव में, तो अगर कोई अगर बाहर भी गया है तो अपने घर आता रहता है, बट जैसे अदर गाँव हैं वहाँ पर काफ़ी प्लान हो चुका है। सो गाइस मेरा कहना ये है अगर आप कहीं भी बाहर रहते हो किसी सिलसिले में जॉब के या अपना अगर आपका घर है कहीं बाहर, बट मेरा मानना ये है कि आप अपने जो गांव हैं अपने गांव आते रहिए, अपने जो बूढ़े दादा दादी उनके साथ आइए टाइम स्पेंड करिए, क्योंकि उनको भी एक उम्मीद रहती है कि हमारे बच्चे हमारे पास आए और थोड़ा हमारे साथ बैठे, क्योंकि वो लोग भी अकेले रहते हैं। तो ऐसी मेरे दादा दादी भी यहाँ पे अकेले रहते हैं तो हम लोग जाते रहते हैं मिलने के लिए जब भी हमें टाइम लगता है। और मेरे पापा तो खैर जाते ही रहते हैं क्योंकि दादा दादी को देखना भी होता है, तो मतलब मेरे पापा में जब उनको कुछ प्रॉब्लम होती है इन केस अगर उन्हें कुछ हेल्प की ज़रूरत होती है तो मेरे पापा ज़रूर जाते हैं और वो लोग भी हमारे यहाँ आते रहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, बट ये कि उनको घर में अच्छा लगता है तो घर में ही ज़्यादा पसंद करते हैं रहना गाँव में, क्योंकि गांव की हवा वगैरह सब एकदम शुद्ध होती है तो उनको वहीं पसंद होता है तो वहीं रहते हैं। सो गांव के जो घर है आप देख सकते हैं इस टाइप के घर होते हैं, नीचे जो है किचन है पूरा प्रॉपर और ऊपर कमरे हैं दो। और यहां पे मेरी मम्मी चाय वगैरह दे रही थी हम लोगों को और देख सकते हैं आप चाय वगैरह। यहाँ पर हमारी ताई आ रखी है और वो भी उनको भी कहीं जाना है बट वो हमसे मिलने के लिए आई थी। सो यहाँ पे देख सकते हैं आप खेत में मेरी दादी ने लहसुन वगैरह और प्याज वगैरह लगा रखे हैं और काफ़ी कुछ यहाँ पे होते हैं, बट जानवर जंगली जानवर की वजह से चीज़ें नहीं रह पाती क्योंकि। सो गाइस इसी के साथ मैं ब्लॉग को करती हूँ एंड, और आपको आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में और उसके बाद तो मैं दिल्ली चले जाऊंगी तो आपको वहीं के ब्लॉग देखने को मिलेंगे। थैंक यू।